ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं और बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 13 केस रायपुर से मिले हैं, वहीं रायगढ़ में 2, दुर्ग, कोरिया, राजनांदगांव और सुकमा में 1-1 नए मरीज मिले हैं। मौजूदा वक्त में प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 128 हो गई है। बढ़त मामलों को देखते हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन लागू कर दी गई है। पूरे कार्यक्रम में यह गाइडलाइन लागू रहेगी। वहीं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने हाई कोर्ट और जिला अदालतों में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी है। इधर छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान हो गया है। बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बजट विष्णुदेव सरकार का पहला बजट होगा। 5 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी और एक और सरकार बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं दूसरे विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। इधर राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद पूरा कैबिनेट अब मिशन 100 मोड पर आ गया है। विभागों में मंत्रियों की धमक भी देखी जा रही है। 100 दिनों की कार्य योजना पर सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि मंत्रियों को भी लक्ष्य दिया गया है। साफ तौर पर इसे लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों में एक के बाद एक समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। मिशन 100 यानी 100 दिनों के भीतर ज्यादा से ज्यादा काम करना मंत्रियों का नया लक्ष्य है। साथ ही सरकार की महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूरा करते हुए जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। गौरतलब है कि राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार ने चुनाव परिणाम के बाद दिसंबर महीने में 100 दिनों का लक्ष्य तय कर दिया था, जिसके बाद साय सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी। सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा की सीबीआई जांच का फैसला लिया गया। 21 क्विंटल धान खरीदी का भी निर्णय लिया गया। मिशन 100 डेज, गृह मंत्री विजय शर्मा की विभागीय बैठक, आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर बात, प्रोएक्टिव पुलिसिंग, समय पर न्याय, साइबर क्राइम कम करने पर जोर। वन मंत्री केदार कश्यप की बैठक, वनवासियों को वनाधिकार पट्टे व सरकारी योजनाओं के लाभ पर जोर, इको टूरिज्म, देवगुड़ी संरक्षण मिशन भी, मानव हाथी द्वंद रोकने के निर्देश। खेल मंत्री टंकराम वर्मा की बैठक, खेल अकादमियों को सुविधा युक्त और प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करने के निर्देश, सभी गाँवों में खेल मैदान चिन्हित कर सुविधा युक्त बनाने पर जोर। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव की बैठक, सड़कों के निर्माण और मरम्मत में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो, अच्छी गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कें बने, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, पीएम आवास योजना का लक्ष्य पूरा करें। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की बैठक, भव्य तरीके से करें राजिम कुंभ मेला का आयोजन, शिमला मनाली की तर्ज पर माल रोड, पर्यटन विकास और प्रचार प्रसार के निर्देश, भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, CACS, बैंकिंग, रेलवे समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग हो, 9वीं के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं को निशुल्क साइकिल देने के निर्देश। 18 लाख आवास बनने में समय लगेगा, सरकार के संकल्प का विषय था तो सरकार ने, नई सरकार ने पहले कैबिनेट के पहले लाइन का प्रस्ताव यही किया है। किसानों को जो 2 साल का बोनस देना था वो निर्धारित समय पर उनको मिल गया है। एक और वादा जो नौजवानों से था कि हम पीएससी में हुए घोटाले की जांच
बड़े एजेंसी से कराएंगे। तो राज्य सरकार ने सीबीआई को प्रदेश में काम करने की पुनः अनुमति देते हुए और इस विषय को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। नौ वर्ष की शुरुआत के साथ ही मिशन 100 डेज के कामों में तेजी देखी जा रही है। 3 महीने की कार्य योजना में मुख्यमंत्री अब तक कैबिनेट की 3 बैठकें ले चुके हैं। उन्होंने हर बैठक में जनहित को सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मिशन 100 डेज के बहाने भाजपा लोकसभा चुनाव में बाजी मारने की तैयारी कर रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद सबकी निगाहें धान के 3100 रुपए की कीमत पर टिकी हुई है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 21 क्विंटल धान खरीदी को मंजूरी दे दी है, लेकिन 3100 रुपए कीमत पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। यही वजह है कि कांग्रेस अब इसे लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। सरकार बदलने के बाद से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है, लेकिन अब तक 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर निर्णय होगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। धान की कीमत पर फैसला नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार से पूछा है कि 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी का फैसला आखिर क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस ने महतारी वंदन योजना को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के सवालों पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कांग्रेस आरोप लगाने के अलावा और क्या कर सकती है। हम अच्छा काम भी करेंगे तो भी वे आरोप लगाएंगे। हमने वादा किया है कि 21 क्विंटल 3100 रुपए में खरीदेंगे। इस वादे को जल्द पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के लोग उनके आरोप लगाने के सिवा वो क्या लगा सकते हैं? हम तो कोई अच्छा काम भी करेंगे तो आरोप ही लगाएंगे। ये हमारी तो अभी शुरुआत हुई है, प्रक्रिया में है। हम लोग उसको जमीन पे ला रहे हैं और हमने वादा किया है कि 3100 के हिसाब से 21 क्विंटल के हिसाब से हम सब खरीदी करेंगे, उनको भुगतान करेंगे तो करेंगे। भले ही देर हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है, जल्दी उसको दुरुस्त किया जाएगा। धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल और एक मुश्त भुगतान के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। महतारी वंदन के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में कुछ निर्णय लेगा, विशेष तौर पर बिजली बिल के बारे में इनका क्या फैसला है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में ऐसा इन जनहित के विषयों में कोई निर्णय नहीं लिया गया। CGPSC की जांच जरूर उन्होंने CBI से कराने की बात की है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अपने कामों पर इनके पर भरोसा नहीं है। पहले पुलिस से तो जांच करा के देख लीजिए कोई गड़बड़ी है। सिर्फ CBI जांच का हवा खड़ा करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल का आदेश जारी होने से किसानों को राहत तो मिली है, लेकिन अब भी उनकी निगाहें 3100 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पर टिकी हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर कांग्रेस जहां भाजपा पर हमला बोल रही है, जबकि भाजपा सभी घोषणाओं के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से CBI के लिए दरवाजे खुल गए हैं। राज्य सरकार ने CBI से बैन हटा दिया है और बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाले कैबिनेट ने PSC 2021 के नतीजे की जांच CBI से कराने का निर्णय लिया है और कैबिनेट के इस संबंध में सिफारिश भी की गई है। PSC 2021 के नतीजे आने के बाद से लगातार जहां युवाओं में आक्रोश था, तो वही इस मामले को लेकर भाजपा भी लगातार तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती रही। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। वही पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी पहुंच गए। इस मामले में तत्कालीन चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी, राज्यपाल के सचिव अमृत खलको सहित अन्य अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के परिजनों के सिलेक्शन पर सवाल उठे हैं। CBI जांच की घोषणा से युवाओं में हर्ष है।
सीबीआई के को छत्तीसगढ़ में जांच के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने प्रतिबंधित किया था। अभी ये सरकार ने सहृदयता के साथ, चूँकि ऐसी आवश्यकताएं होती हैं कि कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करे, सीबीआई पर से वो सारे प्रतिबंध हटाए हैं। सीबीआई अब छत्तीसगढ़ में काम कर पाएगी, और विशेष रूप से जो बहुत नौजवानों के मन का विषय था, एक ऐसा हुआ था कि सबके परिश्रम को किनारा करते हुए और ओहदे के आधार पर, पैसे के आधार पर जो कुछ हुआ था उसकी जांच की जाए सीबीआई से, इसका निर्णय लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप की जांच अब सीबीआई करेगी। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय कैबिनेट ने इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला कर दिया है। इस फैसले के साथ ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री का रास्ता भी अब लगभग साफ हो गया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने सीबीआई की जांच पर बैन लगा दिया था। भाजपा ने सत्ता में आने पर इस मामले की जाँच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था। भाजपा सरकार आने पर युवा जांच की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। इस मुद्दे पर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि सीबीआई पर बैन बीजेपी सरकार के समय ही लग गया था। बीजेपी सरकार इस बारे में गलत आरोप लगा रही है। बैन लगाया था वो रमन सिंह के ही शासन काल में ही लगा था। केवल ये है, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन है, वो नहीं हुआ था। और भारत सरकार से हमने कहा कि जब यहाँ से प्रस्ताव पिछली सरकार ने भेजा था उसको नोटिफाई करिए, बात उतनी थी। फैसला तो रमन सिंह की जो सरकार थी उसकी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे NH 24/7। नमस्कार।